ये मोहब्बत खत्म नहीं हो रही क्या बाबा? क्या हाथ कटा लिया आपने जो शफीक के भाई के हाथ से खा रहे हो आप? हेलो जी, वेलकम टू अनदर फूड ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं एक स्ट्रीट चाइनीज फूड कवर करने के लिए। हमने देखा था एक जगह पे पोस्ट, तो हमने सोचा कि भाई चलो रात को खाना तो होता है हमने कहीं ना कहीं जाके, तो क्यों ना यहाँ भी जाए, थोड़ी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी दोस्तों की। तो हम आए हैं इस वक्त चाइनीज हट पे जो है यूनिवर्सिटी रोड पे। अगर आप यूनिवर्सिटी रोड आ रहे हैं तो बिन हाशिम आपको मिलेगा, बिन हाशिम के बिल्कुल ऑपोजिट आपको एक कार्ड मिलेगा जिस पे लिखा होगा चाइनीज हट। तो इनके पास काफी सारी वेरिएशन है और एक दो चीजें इनकी यूएसपी भी है, वो आगे चल के आपको बताएंगे। चले जी, मिलते हैं आगे। ये सिंगापुरियन राइस और ये आ गया चिकन चिली ड्राई। अभी और भी चीजें बन रही है तो हसन अभी देख कर आया है। अब लग रहा है और अभी खाने में भी मुझे लग रहा है बहुत टाइट होने वाला है, खाने के बाद ही बताएंगे ना। जबरदस्त। अरे देख के ये पूरा आपका आस्किंग है ना टपक उस पर लग रहा है। अच्छा बचा तो भाई, चले ये भाई ये सिंगापुरियन राइस जो है ना ये बड़े टेम्पटिंग लग रहे हैं इनके। चलो हसन का हक है और बाबा का हक है क्योंकि ये लोग शॉर्ट्स बना रहे थे। ये आया सिंगापुरियन राइस। अबे बाबा ये चुपचाप उठा के साइड कर लिया। मजे का तो मजे का। अरे यार देखो अक्सर लोग बोलते हैं यार हर चीज ही आपको मजे की लगती है, तो मैं बताता चलूं भाई, रिस्क होता है ना, रिस्क या बुराई नहीं करते। हर किसी का डिफरेंट टेस्ट बड है। हमें हर चीज अच्छी लगती है, हो सकता है आपको नहीं लगी, हो सकता है आपको जो चीज अच्छी लगती है वो हमें ना अच्छी लगे, तो टेस्ट बड की बात होती है। पीनट शीनट सब डला हुआ, तो ये ड्राई फ्रूट का मजा। ये भाई ये सब ही उठाने शुरू होगा बिना फीडबैक दिए, सब टूट पड़े। ये है बेसमेंट जबरदस्त। ये क्या है आपने जो अभी खाया है? सिंगापुरियन राइस है भाई। सॉस भरा हुआ है बेहतरीन। अबे तुम्हारे हाथ में रहेगा ये। अभी अभी और भी आइटम आ रहे हैं। अभी मैं एक्चुअली सिंगापुरियन राइस का इतना बड़ा फैन हूँ तो नहीं, मैं चिकन चिली ड्राई ज़्यादा खाता हूँ या बीफ चिली ड्राई, बट फैन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना पसंद नहीं। बिस्मिल्लाह यार सही है, और दूसरी चीज़ क्वांटिटी अच्छी है। कैमरा देख के क्वांटिटी हुई है, ये क्वांटिटी अच्छी है, बट क्वांटिटी मैंने देखा कि अच्छी दी है उन्होंने। ओनर की आवाज़ आई है कि क्वांटिटी सबके लिए, आपके लिए नहीं है, सबके लिए अच्छी है। तो हम यही देख रहे थे कि कहीं कैमरा देख के तो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं कर दी। जबरदस्त आपका डायलॉग पकड़ लिया भाई इसने। कंफर्म आ चुका है, नो डाउट। स्ट्रीट फूड में मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ स्ट्रीट फूड को कि आपको इतना जायका तो मिलता ही है, साथ में आजकल कंपटीशन इतना हो गया ना कि हर कोई चाह रहा है कि वो अच्छे से अच्छा जो है ना फूड आपको मुहैया करे। तो इसमें भी देखे क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है भाई। चख लूँ आपकी इजाज़त हो तो? जी जी बिस्मिल्लाह। आपकी इजाज़त चख लूँ? इजाज़त दे, वरना आप इजाज़त दे दे तो हम चखते ही नहीं है ना। अच्छा एक नई चीज़ नोट किया मैंने, कंकाव में खीरे भी डले हुए, ये देखे ना ये खीरे भी हैं और नॉट बैड। मतलब आप अपनी फैमिली के साथ आए हुए रात के टाइम तो गाड़ी में बैठ के जो ना आप ऑर्डर कर सकते हैं भाई। स्ट्रीट फूड होता है पॉकेट फ्रेंडली। अच्छा ये है चिकन चिली ड्राई जो कि मेरा फेवरेट है, कहीं भी जाते हैं। ये चिली मिली पास्ता है आखिरी पास्ता, और ये है चिकन चिली ड्राई जो कि मेरा फेवरेट है। मैं कहीं भी जाता हूँ चिकन चिली ड्राई ज़रूर ऑर्डर करता हूँ अगर है मेन्यू में तो। अगर मैं रेट करूंगा ना तो कंपा थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मज़ेदार लगा। आप एक है नहीं चलो यार पास्ता चख ही लेते यार। अपन को जो है ना रियल फूड खाने की आदत है। पावा, पास्ता पावा। क्या सिंगापुरियन है? नहीं देखो खाने पे। मैं सॉस खा रहा है। हर खाने की
फौरन से ग्रेवी और सॉस खा रहे और हमें सूखा दे दे रहा है। अभी रह गया बॉक्सर चिकन, नहीं बॉक्सर फ्राइड राइस। अच्छा बॉक्सर फ्राइड राइस जो है वो इनका कहना है कि ये हमारी स्पेशलिटी है, यूएसपी है, कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका में दी है डिश और जो है पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हाँ तो अभी वो देखते हैं वो कैसी है। कि यूएसपी की तो हमने बोला यार आप इतना खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो एक वो भी चीज़ मंगा लेते हैं इनकी रिकमेंडेशन पे। बहरहाल आपको पहले बताते चले पेड ब्लॉग ये हम लोग ऐसे ही घूम रहे होते हैं, जो चीज़ समझ में आ गई या जो चीज़ देखी हमने इंटरनेट पर किसी ने बताया तो हम आ जाते हैं और ब्लॉग बना लेते हैं। सही बात है, आज पेड है शफीक की तरफ से, बोला डरूक बोला मेरी तरफ से पेड। हाँ ये ब्लॉग पेड है बट ये पेड के स्पॉन्सर हैं शफीक अहमद। ये भाई ये इनकी स्पेशलिटी आ चुकी है बॉक्सर फ्राइड राइस। यार ये आजा आजा भाई, इसमें क्या क्या चीजें थी, ऐसा क्या खास बात है? राइस है उसके ऊपर एग से कवर्ड किया हुआ, इसके अपना सॉस है वेजिटेबल और चिकन का बेहतरीन सा खट्टा मीठा था। आजा इंशाल्लाह पसंद आएगा। स्वीट एंड सॉर जो है ना इस पे सॉस है और ये आप देख रहे होंगे ये एग है और इसके नीचे राइस होंगे आए होप। तो ये भाई बॉक्स और फ्राइड राइस है, ये आप खाएंगे? अच्छा ये सबसे पहले खाएंगे ये ओ हो काफी हो रहे थे तेरे हाथ गरम है। ये एग अच्छा पीनट है पीनट सही है। ये आसिफ गोल्डी ये मोहब्बत खत्म नहीं हो रही क्या बाबा? क्या हाथ कटा लिया आपने जो शफीक के भाई के हाथ से खा रहे हो आप? क्या है वजह? हाथों से दूर है भाई हम भी खा लेते हैं क्योंकि ये मोहब्बत शफीक भाई को हमसे तो नहीं है। गुड है, बड़ा सॉसी सा है, राइस है वो राइस जैसे ही है बट जो ऊपर का जो सॉस है ना वो इसको थोड़ा यूनिक कर रहा है। ये फूड कार्ट तो मैंने स्टार्ट लिया मुझे 8 महीने हो गए, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना मेरे पास स्पेशलिटीज के अंदर जो सबसे ही बहुत ही बेस्ट चल रहा है इस टाइम बॉक्सर फ्राइड राइस चल रहा है, ठीक है, पूरी राइस है हमारी और चिली ड्राई चाउमीन है, चिली ड्राई राइस है और हमारा जो सिग्नेचर आइटम है वो चिकन लॉलीपॉप सिचुआन सॉस है वो बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन 70 के करीब आइटम्स हैं हमारे पास। 1992 में जब मैं मतलब होटल इंडस्ट्री से सारे कोर्स करके हम लोग सिंगापुर गए हुए थे तो वहाँ से जब आने के बाद जो है ना यहाँ पे हमने देखा कि यार लोगों को ना बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, मतलब चाइनीज़ फूड स्ट्रीट कोई भी नहीं है तो वो एम्प्टी था। तो फिर हमने जो है ना एक तारिक रोड पे हमने एक स्टॉल लगाया ह्यूज सा और वहाँ पे हमने सिंगापुरियन फूड और सिंगापुरियन राइस ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करवाया, वहाँ से फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो माशाल्लाह यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है आपका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने खाना खाया, आप लोगों को कैसा लगा? जी माशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट, हर चीज़ क्वान्टिटी वाइज प्राइस वाइज जो जितना प्राइस ले रहे हैं ना उसके हिसाब से हम क्वान्टिटी भी दे रहे हैं और टेस्ट वाइज जो है ना बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से लेके हम डिफेंस तक जो है सप्लाई दे रहे हैं। आएँ यहाँ पे खाना खाएँ और अच्छे खाने का लुत्फ उठाएं और इंशाल्लाह जो भी हमसे ताबुन होगा आपके रेफरेंस हम उसके साथ करेंगे। अच्छा भाई वो लास्ट कुछ मसला हुआ था, आसिफ भाई को बड़े हेट कमेंट मिले थे कि शफीक भाई को बड़ा बुरा वाला कहा था तो आप माफी मांग रहे हैं आज शफीक भाई से? वो अकाउंट है ना शफीक के खुद के पर्सनल अकाउंट से, शफीक अपने अकाउंट से जाना हेट मारता है। ऐसे ही है शफीक भाई? भाई रेगुलर देखने वाले है हमारे जो है रेगुलर देखने वाले हैं और वो पता लग जाएंगे कि किससे बात है। यार मांग लो, मान लो यार माफी मांग लो यार, बाबा ये झूठी सॉरी ना करो, कल आप दूसरे व्लॉग में भी फिर यही हरकतें करोगे। यार वो एक बंदे को मेरी बात कोई बुरी लगी थी यार, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ भाई। वो क्या थी बुरी बात? सूप वाले में भैया। तो ये था हमारा व्लॉग, तो हमने सोचा कि भाई चलो स्ट्रीट भी कवर करते हैं क्योंकि अभी कल बड़ा इससे पहले वाला जो ब्लॉग आया था काफ़ी गोश्त था उसके अंदर, तो हमने बोला चलो थोड़ा लाइटर ब्लॉग बनाते हैं। एक तो रोड की तरफ खड़ा होना ये है कि बड़ा शोर हो रहा था। अच्छा ये अच्छी चीज़ ये है कि भाई ये पूरे जो ना फैमिली है मतलब बाप बेटे ये मिलके ये कार चला रहे हैं, ये शाम 5 बजे से लगता है और 1 बजे ये ख़त्म हो जाता है। तो हमने सोचा कि चलो भाई एक फूड ब्लॉग इस पर भी बनाते हैं, एक चाइनीज़ स्ट्रीट फूड, हम लोग बड़ा खा रहे होते चाइनीज़ फूड। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा और उम्मीद है कि आप लोग भी कभी ट्राई करेंगे अगर यूनिवर्सिटी रोड की तरफ आते हैं या जौहर गुलशन उलशन के रहने वाले हैं। खैर हम तो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं बट हम ट्रैवल करके आ जाते हैं भाई खाने के शौकीन हम, बस यही था कि आप लोग भी आके कभी ट्राई करिएगा। चलिए जी इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, शफीक भाई एंड करेंगे।
Ha 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 ha!